आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने व उसके निदान के लिए कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कैंसर जागरूक शिविर का आयोजन 1 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें हमने बात करी डॉक्टर रितु गुप्ता से। उन्होंने क्या कुछ कहा कैंसर के बारे में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समाज को सुंदर स्वास्थ्य बनाना है, कैंसर को भगाना है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर। आज जैसे कि कैंसर दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कनिष्ठ हॉस्पिटल में एक स्पेशली डॉक्टरों ने अपने अपने विचार साझा करे थे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु मैम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर। नमस्कार मैम। जैसे महिलाओं में कौन सी उम्र में ये जो कैंसर है दिख पाया जाता है? महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं, और 30 साल के ऊपर की महिलाओं में ये ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे पहाड़ में महिलाएं हैं, उन्हें इस बात में अवेयर नहीं होती, तो आपका हॉस्पिटल इसके लिए क्या कुछ करता है? जी, कनिष्क हॉस्पिटल सन 2005 से लगातार इस क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, और सारे जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ हम लोग रेगुलर कैंप लगाते रहते हैं, जिसमें पैप स्मेयर जो बेसिक टेस्ट होता है, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, वो हम करते हैं। कल भी हम लोगों ने पांवटा साहिब में कैंप लगाया हुआ था, और अस्पताल में जागरूकता शिविर चल रहा है 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में, जिसमें कि हम इसमें डिस्काउंट रेट पे महिलाओं को बताते हैं कि आप आइए, अपना बेसिक टेस्ट कराइए, जिससे आप कैंसर को पकड़ सकें और हमसे जानकारी लीजिए इस बारे में। क्या कुछ सिम्टम होते हैं इसके? देखिए, कैंसर के मेनली जो लक्षण होते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के, कि किसी भी तरह की गांठ का होना या ब्रेस्ट में से ब्लड का आना या उसकी स्किन का कुछ परिवर्तन हो जाना, टाइटनेस हो जाना, और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड लक्षण होते हैं कि ल्यूकोरिया जैसे स्मेली डिस्चार्ज होना, या जब भी मेल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग का होना, ये मेनली लक्षण होते हैं। कैसे इसको ठीक करा जाए इसके लिए? इसके देखिए बचने के जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है बहुत आसान है, अगर महिलाएं इसके लिए जागरूक होंगी तो हम काफ़ी हद तक उनको बचा पाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि होता है महीने में एक बार जरूर करना चाहिए, और सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन आ गई है, और अब बहुत ही जल्दी भारत सरकार की भी वैक्सीन आने वाली है जो कि काफ़ी सस्ती होगी, उसको हम 3 डोजेज में देते हैं, तो हर बालिकाओं को और हर महिला को 15 साल से 45 साल की उम्र में ये जरूर लगवानी चाहिए, और एक जो जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं, उनको अपना पैप स्मेयर का एग्जामिनेशन हर 2 साल में कराना चाहिए, और जिनकी फैमिली में अगर कभी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है तो उनको मैमोग्राफी हर साल जरूर एक बार करानी चाहिए। अगर हम 2-4 चीज़ों को इनको लेके चलेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपनी महिलाओं को बचा पाएंगे। जैसे मैम, कैंसर की फीस बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कहीं इलाज नहीं करा पाते, तो आपका हॉस्पिटल उन्हें क्या कुछ सुविधाएँ देता है? जी देखिए, ये एक गलत धारणा है कि कैंसर का इलाज महंगा होता है। क्या होता है कि हमारे देश में जब शुरुआत के लक्षण होते हैं तो लोग डॉक्टरों तक नहीं आ पाते हैं, वो नीम हकीम और फकीर के चक्कर में लगे रहते हैं, तो उस चक्कर से वो जब 3rd या 4th स्टेज पे आते हैं तो उसकी संभावना, एक तो डेथ की संभावना बढ़ जाती है और थोड़ा उनका खर्चा भी बढ़ जाता है, उनको मायूसी भी हाथ लगती है। तो लक्षणों को पहचानेंगे और बचाव करेंगे और शुरुआत के स्टेज में अगर आएंगे तो उनका खर्चा इतना नहीं आएगा, और आजकल प्राइवेट अस्पताल और इसके अलावा सरकारी अस्पताल सभी ने अपना एक बहुत अच्छा सा ग्रुप बनाया हुआ है और सभी देश के लिए काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से एक मैसेज कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में? मेरा तो सभी के से यही आग्रह और यही निवेदन भी है कि हम सभी को एक तो तनाव से दूर रहना होगा, ना चाहते हुए भी तनाव आता है, लेकिन तनाव से दूर रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिसमें कि 30 मिनट की एक्सरसाइज और थोड़ा जो पुराना खाना पीना है कि मोटे अनाज लेना चाहिए, दालें लेनी चाहिए, इसके अलावा सब्जियों का सेवन करना चाहिए, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे तो हमें हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि ये कैंसर के मेन कारण हैं। थैंक यू मैम। तो ये हमारे साथ डॉक्टर रितु मैम थी, जिन्होंने हमें बताया कि हमें कैंसर से कैसे बचाव करना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप उत्तराखंड खबर, देहरादून।